हेलो एवरीवन, आज बड़े टाइम बाद एक ब्लॉग आएगा और काफ़ी टाइम बाद ही आएगा। मेरे को पता है वो चीज़, टाइम नहीं लग रहा था। एक दूसरे चैनल पे काम कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, जिसमें सक्सेसफुली मैंने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, पता नहीं कैसे करके बट हो गए हैं। और मैं बताऊँ मैंने कौन सा चैनल है, क्या चैनल है, जिसको मिलेगा मेरे को बताना कभी। मैं और बिन्नी जा रहे हैं पे गर्म पानी होता है, हॉट स्प्रिंग। हिंदी गा गिला चलो अब वहाँ मिलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सी जगह है ये, चारों तरफ हमें कनक कनक और सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। सुंदर सुंदर से घर, रोड का हाल थोड़ा सा खराब पर चलता है। गाइस, जब मैं 10th में था या 9th में तब आया था फर्स्ट टाइम मैं इस जगह पे, तो तब भी ये रोड ऐसा था। और आज आई थिंक मेरी 5-6 साल हो गए, आज भी ये रोड ऐसे का ऐसा ही है। नाइस, बहुत अच्छी बात है। अब चलो चलते हैं धीरे धीरे मंजिल की तरफ। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं। वैसे तो मंदिर है ये, और मंदिर के अंदर है एक हॉट स्प्रिंग जहाँ पे लोग नहाते हैं। एंड मैं फ़िलहाल मैं यही प्रे कर रहा हूँ कि ज़्यादा लोग ना हो, क्योंकि फिर ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर खुद से एंजॉय नहीं होता है ना। मैं आ रहा हूँ, बिंदी लेके आ रहा है हमारा सामान गंदे कपड़ों में, तो क्या हो गया, चेंज भी तो करने बाद में। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बंदे ना हो जाता बस निकल आएंगे। नहीं फिर हमने तो अपनी मर्जी से बड़ी देर तक बैठना ना, और ठीक ठाक देर तक। ये रहा गाइस सामने हॉट स्प्रिंग, ये हॉट स्प्रिंग यहाँ पे नहाते हैं और हम भी यहीं नहाएंगे। घर से अराउंड 15 होगा बिंदी, 15-20 किलोमीटर दूर हम सिर्फ नहाने आए हैं, वो भी गर्म पानी में। घर पे भी नहा सकते थे रोड पे गर्म करके, बट यहाँ पे कुछ और ही मज़ा है। बाकी हम मंदिर में सबसे पहले जाकर आते हैं, उसके बाद उनके निकलने के बाद हम वहाँ आएंगे। आओ गाइस, इसमें दर्शन करवाते हैं शिव जी को। दोस्तों ये है हॉट स्प्रिंग, और फिलहाल पानी बड़ा गर्म है अंदर घुसते हुए। पहले तो बड़ा फील हो रहा था कि बड़ा गर्म पानी है, बट अब ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि अंदर आ चुके हैं देखकर। और काफ़ी अच्छी जगह है, तुम भी आ सकते हो, शाहपुर के आसपास हो तुम यहाँ पे आ सकते हो, काफ़ी मज़ा आएगा तुम्हें यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ अंदर। गाइस डन, थोड़ा सा यहाँ पे मूड रिफ्रेश हो गया, नेचुरली आता है यहाँ से पानी और गर्म है ये पानी। और एक चीज़ और, आवाज़ सुनना यहाँ पे कितनी गूंज रही है।
रणवीर दोबारा से कपड़े पहनना, और ऐसे यहाँ की स्टोरी तो नहीं पता मुझे, बट आई गेस यहाँ की कोई तो स्टोरी होगी। और मंदिर में अगर पुजारी होते या कोई और होता तो मैं डेफिनेटली वो स्टोरी भी जानने की कोशिश करता। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है उसके पीछे, और बताता हूँ मैं तुझे। लाइक तो एक तो ना बड़े सारे हैं ऐसे, लाइक ये है, ये है, ये है मिट्टी का, हाँ एक ये भी है मिट्टी वाला, और एक आगे है, ये एक तो क्या तीन चार आगे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, इसमें भी हैं। मेन वाला मंदिर ने ये बना के रखा है ऑरेंज कलर वाला, ऊपर भी है शायद कुछ, यहाँ से सीढ़ियाँ जाने का रास्ता। और यहाँ पे हम नहा के आए अभी। गाइस सभी के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है, तो तुम ये सोच के मत आना यहाँ पे कि तुम इंजॉय करने जा रहे हो, ये एक मंदिर है और एक आस्था का स्थल है, तो तुम्हें वैसे ही वाओ अच्छा लग रहा था, तुम्हें वैसे ही ड्रेसअप होके और वैसे ही कायदे और नियमों में रह के आना पड़ेगा। तो गाइस अगर तुम्हें गर्म पानी में ना के मज़ा नहीं आया तो इसी के साथ तुम यहाँ पे आ सकते हो, साथ में ही है, थोड़ा सा बाहर निकल के सड़क के किनारे आओ, मज़े से यहाँ नहा के जाओ। हम नहाने तो नहीं वाले वैसे, बट देखा पहला गाइस देखो कैसे मछली पकड़ी जाती है यहाँ पे हिमाचल में, बहती हुई नदी में कांस्टेंट बह रही है, और हमारे चाचा श्री यहाँ पे जाला लेके चले हैं और जालों में दो पत्थर बांधे हुए हैं जिसकी वजह से वेट पड़े जाले में, और जहाँ पे मछली दिखेगी वहाँ पे डालेंगे और मछली पकड़ी जाएगी।